आज के इस भगवद गीता महोत्सव में, अंतर्राष्ट्रीय भगवद गीता महोत्सव में यहाँ उपस्थित स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे श्रीलंका के मंत्री कल्चरल मिनिस्टर श्री नायक जी और हमारे सभी पूज्य हमारे स्वामी जी और यहाँ ब्रह्म सरोवर के किनारे बैठे हमारे सभी आध्यात्मिक भावनाओं के साथ ओतप्रोत सभी सज्जन वृंद, देवी और सज्जनों, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के निमंत्रण और हरियाणा सरकार के निमंत्रण पर यहाँ इस अंतर्राष्ट्रीय भगवद गीता महोत्सव में आप सबके साथ शामिल होने का सौभाग्य मिला, उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। मैं पीछे भी 2 वर्ष पहले आया था, आज पुनः मुझे फिर से ये सौभाग्य मिला है। सच में कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि इस स्थान पर आने का मौका मिले तो यह भाग्यवश ही होता है। जब भगवान का आशीर्वाद होता है तभी संभव हो पाता है। भगवद गीता जहाँ रची गई, जहाँ लिखी गई और जहाँ उसका ज्ञान दर्शन मिला, ऐसे पवित्र भूमि पर हम सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर, जहाँ मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, वहीं सबको भाग्यशाली भी मानता हूँ कि जिनको इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं स्वामी ज्ञानानंद जी की जो प्रेरणा इस गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाना और कुरुक्षेत्र जो भगवद गीता का जहाँ जिसे यहाँ पर पढ़ा गया, जिसका ज्ञान का अवलोकन हुआ, ऐसा पवित्र स्थान अनेकों कारणों से, कई कारण रहे होंगे, लेकिन यह स्थान अपना सम्मान और अपना जिसे कहा जाए कि महान इतिहास, वो प्रायः लुप्त सा होता दिख रहा था। लोग भूल रहे थे, अपने गौरवमय ग्रंथ को भी भूल रहे थे और अपने गौरवमय इतिहास को भी और कुरुक्षेत्र की धरती का योगदान को भी कहीं न कहीं लुप्त होती हुई अवस्था में हमने देखा। लेकिन मुझे और मुझे ही नहीं, यहाँ बैठे सभी लोगों को इस बात का गर्व भी होगा, संतोष भी होगा कि आज पुनः अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाकर हम पुनः उसे जागृत कर रहे हैं, यह हम सब लोगों को देखने को मिला। गीता, भगवद गीता के बारे में मुझ जैसा ज्ञानी कोई चर्चा करे तो शायद सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, क्योंकि मैं राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं और फिलॉसफी, अध्यात्मवाद, तर्क शक्ति, शास्त्रार्थ, इन सब का हमारी संस्कृति में खुला निमंत्रण रहा है और सभी को हर विचारधारा को प्रतिपादित करना, अपनी बात को रखने का, यह हमारे सनातन धर्म में सदा समाहित रहा है हमारे जीवन शैली में। लेकिन मुझे खुशी के साथ और गर्व के साथ ये कहने का सौभाग्य भी मिलता है कि मैंने आज दिन तक कोई भी आध्यात्मिक, राजनीतिक,
सामाजिक किसी विश्लेषक को नहीं देखा जो गीता के किसी भी बिंदु पर कोई तर्क कर सके। दूसरी बात कि मैंने, चाहे वो कोई भी इतिहास का काल रहा हो और वर्तमान काल भी और भविष्य में भी, यदि हम गीता को बारंबार पढ़ेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि काल कोई भी हो, भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता हमेशा प्रासंगिक है और हमारे को दृष्टि और दिशा देती है। यह उसकी गूढ़ ज्ञान का भंडार है और इसलिए मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि किसी को भी अपने जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना हो, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाना हो, भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर लाना हो, अपने आत्मविश्लेषण को और मजबूत बनाना हो, वो जितना भगवद गीता का अध्ययन करेगा उसका जीवन उतना ही स्पष्टता से आगे बढ़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसलिए मैं कई बार लोगों से ये कहता भी हूँ कि भाई तुम कोई समाज के लिए, कोई देश के लिए ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बोलता हूँ कि तुमको अपना जीवन भी अगर सार्थक करना है तो भी पढ़ लोगे तो उससे आपका जीवन सार्थक होगा और समाज के काम आएगा, देश के काम आएगा। तो ऐसे ब्रह्म सरोवर के किनारे हम सब लोगों को, सभी हमारे ऋषि मुनि, हमारे जिन्होंने अध्यात्म में अपने आप को पारंगत किया है, ऐसे ऋषि मुनियों के साथ बैठ करके इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। भगवद गीता आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी बताती है, सामाजिक जीवन के बारे में भी बताती है, राजनीतिक दृष्टि से भी हमको सबल बनाती है, देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं इसके प्रति भी हमको दृष्टि देती है। ऐसे संपूर्ण ज्ञान के ग्रंथ को हम बारंबार याद करें। और एक बात मैं ज़रूर अंत में कहूँगा, क्योंकि मैं, आपने मुझे बुला तो लिया है लेकिन मैं हूँ तो राजनीतिक प्राणी, अब राजनीतिक प्राणी हूँ तो चीज़ों को राजनीतिक दृष्टि से रखना भी मेरी जिम्मेवारी है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी सात्विक शक्तियों की सदी है, सात्विक शक्तियों की। और सात्विक शक्ति का मतलब है जो सच्चाई के साथ खड़ा रहे, जो राइटसनेस के साथ खड़ा रहे, जो अपने लिए नहीं समाज के लिए जिए, जो अपने लिए नहीं देश को मजबूती देने के लिए जिए। और मुझे लगता है कि ये सात्विक शक्ति की घड़ी, जो उज्जवल भविष्य भारत का हम देख रहे हैं, जो हम विकसित भारत, विकसित भारत देखकर जो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चले हैं, वह किसी एक का लक्ष्य नहीं, वो किसी एक पार्टी का लक्ष्य नहीं, वो भारत का लक्ष्य है कि हम विकसित भारत के हम चश्मदीद गवाह बने। और इसलिए ये सात्विक शक्तियों को मजबूत बनाना, अब मैं जब सात्विक शक्ति बोलता हूँ तो किसी ने आज से 7 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को करने से किसी ने रोका तो नहीं था, किसी ने ये तो नहीं कहा था कि तुम इस तरीके के कार्यक्रम ना करो, लेकिन विचार नहीं आया होगा। और विचार इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि सात्विक शक्तियों के नजदीक नहीं रहे होंगे। तो आज मैं कहूंगा कि आप भी सात्विक शक्तियों को पहचानें, उसको मजबूती प्रदान करें और विकसित भारत 2047 के आप भागीदार बने और उसमें अपने आप को जोड़ें, यही मुझे कहना है। आप सबने मेरी बात सुनी और आप ज़रूर उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो हमारी विचार है उसको मजबूती देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि देश के लिए वो आवश्यक पहलू है, आप सब उसको करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार माननीय।